अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग बोट क्लब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी का निरीक्षण किया। मंत्री सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी का निरीक्षण किया है, भविष्य में भोपाल को इसमें आगे लाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। नर्मदा के सभी क्षेत्रों में खिलाड़ियों की दक्षता और वाटर स्पोर्ट्स बॉडीज के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है वाटर स्पोर्ट्स में, और खासकर भोपाल और मध्य प्रदेश के वो विभिन्न स्थान जहां नर्मदा मैया है, वहां पर वाटर स्पोर्ट्स के उन्नयन के लिए बहुत कुछ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम भोपाल और मध्य प्रदेश को उच्च स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स में ला सकते हैं, खिलाड़ियों की दक्षता के माध्यम से भी और हमारे ये बहुत खूबसूरत वाटर बॉडीज के कारण भी। इसलिए हमने निश्चित किया है कि अभी तक अच्छा काम हुआ है और खेल में मध्य प्रदेश अच्छा स्थान प्राप्त करे, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में हम एशियन चैंपियनशिप भी आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम आगे आने वाला जो ओलंपिक जो देश में होने वाला है उसमें वाटर स्पोर्ट्स के कुछ खेल भोपाल में भी आयोजित हो सके, उसके लिए प्रयास हम करेंगे।